ओम शांति। 1964 का प्रातः क्लास है, बुधवार। रिकॉर्ड चला है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा किसको दिया जाता है? सहारा उनको दिया जाता है जो डूबे हुए होते हैं, उनको पार करने के लिए, क्योंकि खेवैया नाम तो भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि भारतवासी सबसे जास्ती डूबे हुए होते हैं। तो खेवैया का कायदा है कि डूबे हुए को बचाना, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि ये भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। भारत में ही ये कहते हैं, क्योंकि भारत के लिए ही कहा जाता है हर बात। भारत का बेड़ा पार या भारत का बेड़ा डूबा हुआ, भारत के लिए कहा जाता है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। सो भी तुम बच्चे तो समझते हो, और तो कोई नहीं समझते हैं कि भारत का ही बेड़ा डूबा हुआ है। यादगार में सत्यनारायण की कथा भी भारत में ही होती है। ये कथाएं जो अमरनाथ की, तीजरी की, ये सभी कथाएं यहां होती हैं। बच्चे भी अभी अच्छी तरह से समझ गए हैं, जबकि बच्चे सुबह को मेडिटेशन में बैठते हैं, क्योंकि बाप ने समझाया है कि मेडिटेशन जिसको योग साधना, याद की साधना कहते हैं, तो वो तो भक्ति मार्ग में है याद की साधना। क्योंकि कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, कोई तो फिर तत्व को याद करते हैं। अब उनकी वो साधना तो है ही अयथार्थ। क्यों? क्योंकि गुरुओं की स्त्री 2500 वर्ष की है, और 2500 वर्ष में भारत का बेड़ा पार हुआ है या डूबा हुआ है? और ही डूबता गया, और जो तत्व को याद करते हैं तो तत्व तो और ही तामसी बनते जाते हैं या सात्विक बनते जाते हैं। तो कहेंगे उन भक्ति मार्ग वालों की याद की साधना अयथार्थ है। अगर अयथार्थ नहीं होती तो भारत का उत्थान होता या पतन होता? उत्थान होना चाहिए था। उन भक्तों में कोई उनको सिखलाने वाला खेवैया या भगवान तो प्रैक्टिकल में होता ही नहीं है।
वो भगवान खेवैया भी है, भगवान भी है, क्योंकि नए गुलशन की भी तो स्थापना करना है, दैवी गुलशन यहाँ स्थापन करना है। तो उनको ये सभी सिखलाना होता है, किनको है, खेवैया को ही ये सब बातें सिखलानी होती हैं। कोई गुरु लोग भी ये मेडिटेशन सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करो, कोई तो ऐसे करा कर बैठते हैं, कोई कैसा कोई कैसा। और वो गुरु लोग तो बहुत ही प्रकार के प्रयत्न बताते हैं, किसके लिए बताते हैं, याद में रहने के लिए। इसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, योग साधना। वो तो मनुष्य मनुष्य को योग साधना कराते हैं, कोई खेवैया या बागवान इस बाग का नहीं कराते हैं। कि तुम जानते हो कि बगीचे का माली तो बाप है, बगीचा किसको कहा जाता है, फूलों का बगीचा कहा जाता है। फूल तो बड़े हल्के होते हैं, सुखदाई होते हैं, और ये कांटों का मालिक कौन है, कहेंगे ये अनेक सिरों वाला रावण है। ये बात मनुष्य नहीं जानते हैं कि न अनेक सिरों वाले रावण ने इस दुनिया को नरक बनाए दिया है, कांटों का जंगल। सिर्फ तुम बच्चे ये नई नई बातें समझते हो कि बरोबर ये जो कांटों का फॉरेस्ट बन जाता है, उनको ये रावण रूपी माया जो है फॉरेस्ट बनाती है, अभी तुम जानते हो। परंतु तुम्हारे में से भी कोई बिरला ही जानते हैं, क्योंकि और तो सब ये बातें भूल जाते हैं कि बरोबर हम कांटों से फूल बनते हैं, ये भी बात भूल जाते हैं, और माया बहुत भुलाती है। कितना भुलाती है कि बात मत पूछो। बच्चे भी कहते हैं और ये भी फिर कहते हैं कि मेडिटेशन में बैठने से माया बड़ा बिघन डालती है। कौन कहते हैं, ये कौन है, ये कह के किसकी तरफ इशारा। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि माया मेडिटेशन में बहुत बिघन डालती है। कोई वक्त में तो अच्छे बैठे रहते हैं, तो मेडिटेशन भी कैसा होता है, अच्छा ही होता है। वो भी तो बाप सिखलाते हैं कि कैसे मेडिटेशन करूं, रात को कैसे बैठूं, कैसे जागूं, क्योंकि तुम बच्चे तो कर्म योगी हो, इसलिए तुम्हारे में दिन के लिए बंधन नहीं है। मनुष्यों को कभी भी मेडिटेशन दिन में नहीं होती है, क्योंकि दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना,
तो उनमें कोई इतनी याद थोड़ी ही पड़ सकती है। भले कोई बच्चा गच्छा मारता हो कि हम खेलने कूदने में भी याद करते हैं, अरे ये तो गच्छा है, इसको झूठ कहा जाएगा। बड़ा मुश्किल है, रात में ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस समय में भी माया कोई कम थोड़े ही करती है। सवेरे में उठ करके तुम सभी याद में बैठते हो। वास्तव में बत्ती मार वाले भी सवेरे में उठते हैं, जिसको कहा जाता है अमृत बेला। बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि हे बच्चे, दिन में तो कर्मकांड का समय है, अपने बच्चों को पालना करना, नौकरी करना आदि, 1964 की वाणी का दूसरा भी हो सकता है। खेल पाल में भी किसी को याद पड़ सकती हो। बाप तो अनुभव बताते हैं ना, कौन बाप, अनुभव बताने वाला कौन सा बाप। जो अनुभव बताते कि खेल पाल में भी याद पड़ सकती है, जो पुरुषार्थी है वो तो सब अनुभव बताते। तो यहाँ बाप किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए तो पहले ही बता दिया कि इनको बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाप के लिए बताया खेलेगा तो भी बोलेगा, देखो हम बाबा की याद में अभी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, ऐसे कहता हूँ जैसे कि मैं स्वयं बाप हूँ और मैं बैठ करके बच्चों से खेलता हूँ। अभी स्वयं बाप हूँ ऐसे करके खेलने से बाबा को और ही अच्छा नशा चढ़ता है। मैं आत्मा हूँ और बाबा की याद में इनसे खेलता हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता है। देखो मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ ना, जब मैं तेरे से बात करता हूँ तो ये तो जैसे कि कोई वक्त में बाबा तुम्हारे साथ बात करते, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और एकदम बेहद में चला जाता हूँ। तो खेलने में भी है, परंतु हम आत्मा है वो मुश्किल बात हो जाती है। देखो बाबा बताते हैं, मेडिटेशन में जब बाबा बैठते हैं तो सबको अनुभव तो बताना चाहिए ना, कि बाबा कैसे सिखलाते हैं और ये भी कैसे सीखते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा। सारा ये देने का और सिखलाने का बाप ने रास्ता तो बता ही दिया, और तो कोई बताए भी नहीं सकता। और
और ये तो पक्का जानते हैं कि हम बागवान भी हैं, तो जरूर बगीचा भी स्थापन करेंगे। बागवान कोई कांटे का बीज बैठ करके लगाते हैं क्या? कांटे का बीज तो दूसरा लगाएगा। कब लगाएगा? या तो द्वापर कलयुग में, या तो द्वापर की शूटिंग में। वास्तव में उसको माली नहीं कहा जाएगा। माली हमेशा बागवान होता है, जो फूल लगाते हैं। कि तुम जानते हो कि बाबा तो फूल लगाते हैं, और जो इन फूलों को फॉरेस्ट बनाने वाला है, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। ये ज्ञान तो तुम बच्चों को मिला है कि बरोबर बाबा भगवान भी है, खिवैया भी है, रहम दिल भी है, और बीज रूप भी है। कौन? प्रजापिता भी। प्रजापिता आत्माओं का भी बीज कहेंगे क्या? हाँ, जो जड़ जंगम सृष्टि है उसका बीज है, परंतु वो तो निर्जीव है। पांच तत्व भी निर्जीव है, और उस पांच तत्व के पुतले शरीर में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो कहा जाता है ये सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। नहीं तो कोई पहचानेगा क्या? देखो, रात में बैठते हैं तो सोचते हैं कि ये झाड़ कितना बड़ा है। इस बड़े झाड़ के समय में बीज तो ऊपर में ही है। कौन है झाड़ के चित्र में? कौन ऊपर में है? चित्र तो शंकर का है, परंतु शंकर कब कहा जाता है? जब तीन आत्माओं का संकरण होता है, मिश्रण। तो ये कितना बड़ा बगीचा है। तो इस झाड़ का बीज उसको मालिक जैसे होकर के बैठना पड़े। किसको है? खुद जगत पिता है तो घर का मालिक है ना, क्योंकि मास्टर बीज रूप है। तो जैसे बीज हो गया ना, कितना बड़ा बगीचा है। पहले तो कितना छोटा होगा, ये रात को ज्ञान भी चाहिए ना, योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में किछु ज्ञान तो है ही नहीं। मनुष्य जब योग में बैठते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ याद में बैठते हैं, तो उसको भक्ति कहा जाता है।
जब कोई भी चित्र के आगे बैठते हैं या मंदिर में बैठते हैं तो ज्ञान तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ याद है। काली की याद में बैठे रहेंगे परंतु ज्ञान में तो नहीं बैठेंगे ना। क्यों है? काली में ज्ञान नहीं है क्या? सारी सृष्टि का ज्ञान नहीं है? देवी नहीं है? पूजा नहीं होती है? और पूजा का आधार प्योरिटी नहीं होती है? फिर ज्ञान कैसे नहीं है? क्योंकि बीज का उसे जो बीज रूप बाप है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसका भी उसे ज्ञान नहीं है। बस भक्त लोग ऐसी काली माँ की याद में बैठे रहेंगे तो काली शक्ल सामने आएगी, अथवा अगर जगदम्बा की भी याद में बैठेंगे, क्योंकि जगदम्बा सतो प्रधान और काली तमो प्रधान, तो बताया कि जगदम्बा की भी याद में बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे और माला भी फिरती रहेगी। जगदम्बा को भी सामने रखेंगे, कृष्ण को सामने रखेंगे, ये है भक्ति मार्ग का कर्म कांड। अभी इसमें कोई भी ज्ञान तो नहीं है ना, इसमें जगदम्बा में क्यों है? अरे जगदम्बा कहा जाता है तो किसकी अम्बा है? जगत की अम्बा। जगत का पहला पत्ता कौन है? कहेंगे कृष्ण बच्चा। तो जो पहले पत्ते की माँ है वो सारे ही पत्तों की माँ हो गई ना, कहेंगे जगदम्बा। परंतु ये भक्ति मार्ग का कर्म कांड है, अभी उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। इसमें जगदम्बा में अभी माने कभी है? संगम युग की बात बताई। क्यों बताया कोई भी ज्ञान नहीं है? अच्छा सरस्वती जगदम्बा में कोई ज्ञान क्यों नहीं है? अरे बाबा कहते कोई ज्ञान नहीं है अभी अभी माने संगम युग में है? अरे वो बीज रूप बाप को जानती थी? नहीं जानती थी। तो बाप को नहीं जाना तो कहेंगे कोई भी ज्ञान नहीं। न बाप की याद है न वर्षे की याद है। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। सभी भक्त जो भी भक्ति करते हैं तो बहुत गोमुख की माला बनाते हैं। उसमें हाथ डाल देते हैं, इसमें गौमुख में हाथ डाल देते हैं। क्यों? बैलमुख भी तो वैसा ही होता है, है? गौमुख में हाथ क्यों डालते हैं?
जो गऊ का मुख होता है वो कपड़े का बनाते हैं ना, और उसमें कौन सा हाथ डाल देते हैं? बुद्धि रूपी हाथ डाल देते हैं। माला उसके अंदर डाल देते हैं। क्या उस मुख में माला डाल देते हैं? माला किसे कहा जाता है? जो ब्राह्मणों का संगठन है वो ही माला है, और बहुत माला को गुप्त रखते हैं, और गुप्त में ही फेरते रहते हैं। जो भी गुप्त फेरने वाले होते हैं उनको गुरु से शिक्षा मिलती है कि हमेशा गुप्त रखो और गुप्त में फेरो। समझा? क्योंकि है भी हमारी गुप्त माला। तो देखो हमारे यहाँ की रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। उसको गौमुख कहा जाता है। टपड़ी होती है उसमें डाल करके हाथ भी डाल देते। छोटेपन में ये सभी कुछ किया हुआ है। छोटेपन में फिर बाप को देखते थे, जैसे अभी बच्चे हैं माँ बाप को जो कुछ करते हैं तो देखते हैं, और जो बच्चे देखते हैं वो ही करने लग पड़ते हैं। 1964 की वाणी का तीसरा गुण। तो बाप भी कोठरी में बैठ करके माला डाल करके अंदर बैठ जाते थे, तो हम भी क्या करेंगे? है क्या करेंगे? कब करेंगे? भविष्य की बात बताई है, क्या करेंगे हम? हम माने कौन कौन? राम और कृष्ण की आत्माएं भी क्या करेंगी? जाकर सामने छोटी कोठरी भी ले लेते थे, हम भी ऐसे ही बैठ जाते थे। अनुभव कहता है ना, फिर किसको याद करते थे? है कोठरी में बैठ करके किसको याद करते थे? राम 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 बस, और कुछ भी नहीं। वो भी राम राम तो ये भी राम राम। वो भी कौन है? वाणी किस समय की है? 64 की वाणी है। तो किसके लिए बोला वो भी राम राम और ये भी राम राम? है जिसको कहते थे राम फेल हो गया, वो भी राम राम, राम की ही आत्मा, और ये भी राम। ये माने कौन? बस राम राम, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कि कौन सा राम, किस समय का राम, राम ने क्या किया? अभी तुम बच्चे ज्ञान में हैं। रात को जब सवेरे में अमृत वेले
याद में बैठते तो बड़ा मजा आएगा। तुम लोगों को अगर प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो फिर क्या ख्याल में आना होता है। देखो कितना बड़ा बगीचा है, उफ, ये जरूर छोटा भी था ना। सतयुग में कितने थोड़े होंगे, अभी कितना बड़ा बगीचा आ गया। देखो बगीचे की याद आ गई ना, बीज रूप की भी याद आ गई, बगीचे की भी याद आ गई। उफ, फिर देखो कैसे कैसे ये बगीचा बढ़ता है। बाबा में भी तो ये ज्ञान है ना, और हम बच्चों में भी ये ज्ञान है। बाबा जो सिखलाते हैं, मास्टर बीज रूप करके बिठाते हैं, तो फिर देखो सारा झाड़ झाड़ जैसे कि बुद्धि में बैठ गया है, ठुस गया है कि पहले पहले बरोबर देवी देवताओं का झाड़, और वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको स्वर्ग कहा जाता है, सुख को कहा जाता है। तो देखो इसको मेडिटेशन कहेंगे ना, किसको है, किसको मेडिटेशन कहेंगे। जब बीज रूप बन करके बैठ जाते हो तो बीज सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म की याद से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और ज्ञान की गहराइयों में जाती है। तो सारे झाड़ का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। तो देखो अंदर में ये चलता है, बोलना कुछ नहीं होता है क्योंकि वो खुशी है ज्ञान में। बाप की भी खुशी है, धन की भी खुशी है, दोनों चीजें याद आनी है। भक्ति मार्ग में ज्ञान कभी याद नहीं आता है, है? क्यों नहीं याद आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल ही स्थूल, सूक्ष्म में बुद्धि जाती नहीं। तत्व ज्ञानी होगा तो तत्व ज्ञानी भी तत्व को याद करके बैठेंगे, ज्ञान तो कुछ भी नहीं। ऐसे तो नहीं है कि तत्व में याद करते रहेंगे और शास्त्रों को याद करते रहेंगे या वेदों को याद करते रहेंगे, नहीं, वो नहीं होता है। क्योंकि जब याद में रहते हैं तो याद रहता है कि हमको जाना है, और उनको तत्व में जाना है या ब्रह्म में जाना है, ब्रह्म में लीन होना है, तो बस उनको ही याद रहता है। और तो कोई भी रचना का उनको पता भी नहीं है, न रचने वाले का पता है न रचना का पता पड़ता है, है? रचयिता कौन हुआ और रचना कौन हुई, है?
रचयिता बाप हुआ और रचना कृष्ण बच्चा। पहला पत्ता तो उन सबकी याद और अलग अलग है एकदम, और तुम बच्चों की याद बिल्कुल ही न्यारी। तुम याद करेंगे कि बरोबर हम इसे झाड़ के जैसे बाबा बीज है उसको नॉलेज है तो हमको भी ये नॉलेज है। देखो ये रात को उठता है, पीछे ये याद करते करते थक जाए तो भी चलता रहे, परंतु बैठने में याद अच्छी आएगी। थोड़ा भी सोएंगे तो कुछ न कुछ दूसरे संकल्प आ जाएंगे। ये अनुभव की बात बाबा समझाते हैं अच्छी तरह से, फिर बैठ करके समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या करते थे, क्योंकि भक्ति भी तो की है ना। अभी ज्ञान मार्ग है, भक्ति में क्या करते थे, भले आकर के सिखलाते थे कि ये करो, घंट बजाओ, फलाना करो, बहुत कुछ समझाते, परंतु अभी तो दूसरी समझ मिली है। तो बाप को भी याद करना है, फिर झाड़ा झाड़ याद आ जाता है। और झाड़ अभी कितना बड़ा हो गया है, हम छोटे झाड़ में थे, फिर हम देखो त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में जन्म लिया, फिर अभी ये झाड़ में आ गए हैं। अभी तो हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा को याद करते हैं, अभी हमको तो सारा झाड़ याद में आ गया। बरोबर ये ड्रामा भी जैसे चक्कर लगता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 1964 की वाणी का चौथा पेज। अभी शिव की भी याद करते हैं और चक्कर की भी याद करते हैं, तो गोया बाप की भी याद आती है और बाप के धन की भी याद आती है। ये याद हुई ना, तो जितना हम बाबा को और ज्ञान को याद करते हैं इतना जैसे कि हमारी अवस्था परिपक्व होती जाती है, और रजिस्टर में हमारी जो दौड़ी है याद की यात्रा की वो जमा होती जाती है। खुशी भी होती है क्योंकि ज्ञान और कोई को तो नहीं है, किसको भी हम समझा सकते हैं कि हम मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं और दुनिया कैसे बैठती है। वो दुनिया वाले किसकी याद में बैठते हैं, याद अनेक प्रकार की है उनकी, हम सब तो एक मत हैं। बाप की मत न मिलेगी बच्चे से, क्योंकि बच्चे की मत नहीं मिलेगी बाप से, उनका गुरु उनका अष्ट देवता फलाना सबका अपना अपना। और बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, यहां तो बच्चों को भी एक मत मिलती है, बुढ़ियों को भी एक मत मिलती है, तो रात को याद में कैसे बैठे हो, किस याद में? क्योंकि मेडिटेशन में बैठना है, ये मेडिटेशन हाल है ना, तो वो पूछेगा ना कि तुम लोग कैसे याद में बैठते हो, तो
तो उनको फर्क बताना पड़े कि वो भक्ति मार्ग वाले कैसे बैठते हैं, वो क्या याद करेंगे। गुरु होगा तो तत्व का ज्ञान देगा। आजकल तो कह देते हैं कि तुम परमात्मा हो, अभी हम जाकर के परमात्मा में मिल जाएंगे तो परमात्मा रहेगा बस, वो तो ज्ञान नहीं है। सो भी हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा हो नहीं सकते। हम कहते हैं कि हम 84 जन्म पूरा करके अभी चोला छोड़ करके वापस जाते हैं, क्या परमात्मा ऐसे कहेंगे कि हम 84 का चक्कर खा करके अभी वापस जाते हैं? क्यों नहीं कहेंगे हैं? अच्छा, परमात्मा चक्कर में नहीं आते, और परमपिता? अरे परमपिता 84 के चक्कर में नहीं आते, परमपिता जो बड़े से बड़े बाप है, इस मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, और उसका भी बाप परमपिता, धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता, क्योंकि सभी धर्म पिताएं मनुष्य हैं, और उन महान महान धर्म पिताओं का बाप जो प्रजापिता है, उसका भी बाप परमपिता शिव, उसका बाप कोई नहीं। तो परमात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम 84 का चक्कर खा करके अभी वापस जाते हैं, ये क्या बात हुई? परमपिता नहीं कहेंगे या परमात्मा नहीं कहेंगे है? परमपिता तो 84 के चक्कर में आते ही नहीं, और जो हीरो पार्टधारी परमात्मा है, आत्मा पार्टधारी है ना, उन पार्टधारी आत्माओं में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, जिसे कहते हैं परम पार्टधारी परमात्मा, वो कितने जन्म लेती है? 84 पूरे जन्म लेती है या कुछ कम ज्यादा? पूरे 84 का चक्कर काटती है, तो उसको वापस जाना कहेंगे? अगर कहेंगे भी तो बुद्ध योग की बात है, और वो बुद्ध योग तो कोई जाने आने की बात नहीं है। क्या बात है? उस स्टेज में रहने की बात है, टिकने की बात है। तो देखो, ये तो हो ही नहीं सकता है कि 84 का चक्कर खाने के बाद परमात्मा वापस जाए। परमपिता 84 का चक्कर खाते ही नहीं, आते तो हैं, इस सृष्टि पर आते हैं या नहीं आते हैं? आते तो हैं, वापस भी जाते हैं, परंतु 84 का चक्कर खा के वापस नहीं जाते। और परमपिता जब आते हैं तो कोई को आप समान बना करके भी जाते हैं, हैं? आप समान बना करके भी जाते हैं,
जिसको आप समान बना करके जाते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो 84 के चक्कर में तो आते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उनको वापस जाना पड़ता है। जाना पड़ता है और आत्माओं के लिए कहेंगे, जैसे कहेंगे इब्राहिम को वापस जाना पड़ता है और 2500 वर्ष ऊपर ही रहना पड़ता है। कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा भी वापस जाती है, फिर वापस आती है। तो पहला पत्ता भी वापस जाता है, तो जो भी 500 करोड़ बच्चे हैं सब परमपिता के बच्चे, आत्माएं सब वापस जाती हैं। तो उनको समझाना है कि भक्ति मार्ग की मेडिटेशन जब यहाँ हाल में आते हो तो यहाँ हाल में ले आओ। अच्छा अच्छा आदमी देखो जिनको शौक हो भी, बाकी तो पटपटिया, उनको तो नहीं ले आना चाहिए। पटपटिया माने हैं? पटपट पटपट बोलने वाले हैं? आएंगे हैं? आते तो है ना ऐसे, लेकिन जब आते हैं तो खुद बोलेंगे, दूसरे को बोलने ही नहीं देते। तो पटपटिया को नहीं लेना, ले आना चाहिए। जानते हो कि बरोबर कोई कोई बड़े अच्छे आदमी आते हैं, समझाने से समझते हैं, बकवाद नहीं करते हैं, और तो अपना घमंड दिखलाए देते हैं। मेडिटेशन हाल तो इसको ही कहा जाता है ना। बोलो, देखो हम यहाँ कैसे बैठते हैं, रात में भी इस मेडिटेशन हाल में बैठ करके, रात में भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, और दिन में भी यहाँ कैसे करते हैं। सो देखो, ये झाड़ भी है, सभी कुछ है। अभी हम ऐसे याद करेंगे, बाप ने कहा है कि मुझे याद करो, और फिर क्या याद करो, रचना का जो सारा चक्कर है उसको याद करो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्योंकि हमने 84 जन्म तो भोगे है ना, गाया तो जाता है 84 का चक्कर। ये 84 जन्म किसने लिए? जरूर जो पहले पहले आए हैं उन्होंने ही लिए होंगे, जो देवी देवता थे वो, या तो फिर अंतिम जन्म में हम जो ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि चक्कर का तो समझाना पड़े ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। देखो ये चक्कर का भी इनको ज्ञान है, हम बैठते हैं तो हमारा बाप और चक्कर हमको याद पड़ता है। बाप के साथ चक्कर क्यों याद पड़ जाता है? है? अरे आम के झाड़ का बीज है, आम का बीज ही कहा जाएगा ना। आम का बीज हाथ में होगा तो क्या याद आ जाएगा? सारा झाड़ याद आता है। तो हमें ज्ञान है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है। तो देखो इस चक्कर का भी इनको ज्ञान है, अर्थात
सारे चक्कर में हमें याद आता है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। याद और ज्ञान, रचयिता और रचना का ज्ञान हमको रहता है, हम इसी स्वदर्शन चक्र को फिराते हैं। तो जैसे कि हम त्रिकालदर्शी बन गए और फिर बाप को याद करते हैं, रचना को भी याद करते हैं, और फिर क्या करते हैं, औरों को तो अनेक मते हैं और हम सब ब्राह्मणों की एक मत है। उन्नीस 1864 की वाणी का पांचवा पेज। बाबा ने कह दिया है श्रीमत, जिससे हमको श्रेष्ठ बनना है, और श्रेष्ठ भी कैसा, है कहेंगे इस्लामियों में श्रेष्ठ कौन है, इब्राहिम। बौद्धियों में श्रेष्ठ कौन, क्रिश्चियंस में क्राइस्ट श्रेष्ठ। तो हमको कैसा श्रेष्ठ बनना है, मुस्लिमी बौद्ध क्रिश्चियन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से मत लेते हैं, परंतु क्या वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। हमारा बाप तो है हेवनली गॉड फादर, उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के आने से कोई हेवन नहीं बन जाता, और ही दुनिया नरक बनती जाती है। हमारा बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, कोई भी धर्म पिताए आकर के स्वर्ग नहीं बनाते, गाते हैं हेवनली गॉड फादर, कहते हैं अल्लाह मियां, ऊंचे से ऊंचा है ये तो जानते हैं, तुम बच्चे उस ऊंचे से ऊंचे बाप से वर्षा पाते हो। कौन सा वर्षा, जो वर्षा इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से नहीं मिलता है, उनसे पतित दुनिया का वर्षा मिलता है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप से श्रेष्ठ स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हम सबको कहते हैं कि अभी हद के बाप का वर्षा तो पूरा हुआ, ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हद के बाप हैं कि बेहद 500 करोड़ के बाप हैं, हैं? बेहद का बाप तो उसे कहेंगे जिसको सारी दुनिया याद करती हो, मुसलमान भी याद करते हो, बौद्ध भी याद करते हो, क्राइस्ट भी याद करता हो, क्रिश्चियंस भी याद करते हो। तो बोला ये सब हद के बापों का वर्षा पूरा होता है, अभी तो विनाश होने का है, तो जरूर गॉड फादर पतित पावन आएगा, वो आकर के हमको पावन दुनिया का वर्षा देगा। क्या कहा, आकर के देगा या ब्रह्मा के तन में आकर के फिर जाकर के देगा। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं, है कि वो हेवनली गॉड फादर ब्रह्मा के तन में आता है फिर चला जाता है फिर वर्षा हमको मिल जाता है। किसके द्वारा है, कहते हैं हम ही स्वर्ग की रचयिता बनते हैं,
स्वर्ग रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम हमारा है। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी स्वर्ग का रचयिता हम हैं। और दिन प्रतिदिन क्या बनता जाता है, है? और शिवालय के बदले वैश्यालय बनता जाता है। शिवालय किसको कहा जाता है, है? जहाँ एक की पूजा होती है। शिव का मंदिर है ना, चारों ओर देवी देवताएं बैठे हुए हैं, इसकी याद में बैठे हैं, एक बाप की याद में बैठे, तो देखना है कि वो ब्राह्मण भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं, परंतु क्या एक की याद में बैठे हैं? कहेंगे हाँ हम एक की याद में बैठे हैं। किसकी याद में बैठे हैं? एक बिंदी की याद में बैठे हैं। अरे बिंदी आकर के फुदक फुदक के स्वर्ग स्थापन करेगी? वो तो नहीं हो सकता। वो बाप तो पतित पावन है, जो सारी दुनिया पतित बन गई है, वो सारी पतित दुनिया को आकर के पावन बनाता है, पावन दुनिया का वर्षा देगा, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो देखो बेहद के बाप का स्वर्ग का वर्षा हम ऐसे ऐसे लेते हैं। तो बाप का वर्षा जब लेंगे तो बाप को याद करना पड़े और बाप की प्रॉपर्टी को भी याद करें। क्या है बाप की प्रॉपर्टी, है? है ज्ञान किसको कहा जाता है, जानकारी काई की, झूठ की या सच की? तो सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य ही पहले आता है ना, और सत्य बाप आकर के सत्य युग की स्थापना करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो देखो बाप ही स्वर्ग का रचयिता। तो हमारी मेडिटेशन ऐसे ऐसे होती है, बाप को याद करना और उसके वर्षे को याद करना, क्योंकि हम वर्षा पाते भी हैं तो गुमाते भी हैं, और गुमाते फिर कैसे हैं, हैं? कैसे घुमाते हैं? सतयुग में इतना इतना जन्म लेते लेते 84 जन्म लेकर के अंत में हमारा पूरा हो जाता है और हम पूरे पतित बन जाते हैं। हमारी मेडिटेशन में रचयिता और रचना की याद ठहरती है, बाकी तो जो भी है अनेक मते हैं। कोई हनुमान को याद करते हैं, कोई गणेश को याद करते हैं, कोई किसकी याद करते हैं। अभी वो याद में क्या है, न तो उस याद में नॉलेज फुल बाप है और न उनकी नॉलेज बुद्धि में है। अच्छा ओम शांति।